बारे में डी आई खान में हुआ हमला। 10 पुलिस एहलकार हमारे शहीद हो गए वहाँ, वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये पहला वाक्य नहीं है, और वाक्यात भी हुए हैं। मेरे ख्याल में पूरा फोकस शिफ्ट करने की जरूरत है दहशतगर्दी वाले मामला पे। ये इलेक्शन निकल जाए, मेरे ख्याल में अब 2 दिन बाकी है, परसों इलेक्शन है। इलेक्शन के फौरन बाद पाकिस्तान को मिलकर बैठना होगा, सिक्योरिटी फोर्सेज और इंतजामी लोगों को बैठ के ये फैसला करना होगा कि दहशतगर्दी का जो अभी ये दोबारा खड़ा हो रहा है इसको किस तरीके से काबू करना है। क्योंकि कुछ ऐसी तंजीमें हैं जिनका पाकिस्तान में पहले वजूद नहीं था, वो अब क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में अटैक्स किए हैं, और ख़ास तौर पर दाइश के हवाले से बड़ी तशवीश है। और दाइश को किसकी सपोर्ट है ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो अलार्मिंग है, और पाकिस्तान पहले भी इससे निपटा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कमज़ोर हैं या हम लोग के पीछे हट जाएंगे। हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, पहले बड़ी मार खाई है, और हमने दहशतगर्दी को शिकस्त दी है। पूरी दुनिया में शायद कोई ऐसे नहीं कर सका जैसे हमने किया। हम फिर निमट लेंगे इंशाल्लाह। इमरान भाई, अब एक दिन रह गया इलेक्शन में, तो क्या असेसमेंट है आपकी, क्या माहौल लग रहा है आपको? कंपेन शमेन तो बंद हो गई है, आज रात बंद हो जाएगी, यानी आज रात तक सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदी है। कल सारी पॉलिटिकल पार्टी पे कंपेन पे पाबंदी हो गया। कल का दिन होगा पाकिस्तान का एक्चुअल न्यूट्रल दिन, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके ऊपर इलेक्शन में कंपेन करने पे पाबंदी होगी, वरना आज तक सिर्फ एक पार्टी पे पाबंदी है। अच्छा, मुझे हैरत हो रही है सिर्फ जहांगीर तरीन पे, कि अगर वो MNA बन भी गया तो मज़ा कैसे आएगा। देखिए, आप MNA बनते हैं, क्यों बनते हैं? यानी नॉर्मली हमारे यहाँ पे लोग जरा टैके टूके के लिए बनते हैं। मैं MNA बन गया जी, मेरा बड़ा नाम हो जाएगा, मैं अपने इलाके का सबसे मोतबर आदमी हूँ, पब्लिक की सपोर्ट मेरे साथ है। पहले एक उम्मीदवार उनके खिलाफ खड़ा हुआ, वो शफीक राई, वो बैठ गया 19 दिसंबर को, वो गायब हो गया, वापस आया, आगे कहता जी मैं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ना, एक पर्ची से पढ़ के उन्होंने कह दिया। फिर उम्मीदवार खड़े हुए जी दो, इकबाल शाह साहब और उनके वालिद साहब, दो उनका आमिर इकबाल शाह और उनके वालिद इकबाल शाह, ये उम्मीदवार थे, तो ये गायब हो गए। वापस आए, इन्होंने कहा जी हम भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे जहांगीर तरीन के मुकाबले में। फिर एक खातून खड़ी हुई इफ़त साहिबा, उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ जहांगीर तरीन के मुकाबले में। उन्होंने जैसे ही कंपेन शुरू की और कुरान पाक पर हलफ लिया, 3 तारीख को, 4 तारीख को वो भी गिरफ़्तार कर दिया गया उनको, बगैर किसी वारंट के और किसी मुकदमे के, बकौल उनके। और फिर अगले दिन उनका भी स्टेटमेंट आ गया कि मैं भी इलेक्शन नहीं लड़ रही, 10 पर हज़ार हो गई जहांगीर तरीन के मुकाबले में। तो अगर इस तरह जहांगीर तरीन ने MNA बनना है, तो मेरे ख्याल में उनके बेटे को भी उनका MNA बनना पसंद नहीं आएगा। यानी उनके बेटे ये कह रहे थे एक ट्वीट के अंदर कि औरतों का एहतराम किया जाए और ये गंद जो है ये ना किया जाए पाकिस्तान में, इसके खिलाफ खड़ा होना होगा और इस तरह के फैसलों को कलदम करार दिया जाए। तो बात यह है कि अपने अबू से पूछें कि 4 तारीख को एक औरत उठाई जाती है जो उनके अबू का मैदान में मुकाबला कर रही थी, और 5 तारीख को वो इनके अबू के मुकाबले से बाहर निकल गई। तो अगर अबू को ऐसे ही बनाना है इन्होंने मेंबर कौमी असम्बली, तो ये बाप बेटा तो एक दूसरे को फेस नहीं कर पाएंगे, तो बाहर अवाम को कैसे करेंगे? इमरान, ऐसे जीतना है ना तो फिर जहांगीर तरीन साहब अपने नाम के साथ शरीफ लगवाएं, फिर तो बनता है कि उनका भी ऐसे जीत। इमरान भाई, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि एवन फील्ड अपार्टमेंट किसके हैं। ये एक्चुअली कुछ भी इनसे सवाल करें इनके दिमाग में अरशद शरीफ शहीद जो है वो इनके आसाब पे सवार है, तो वो इसलिए मुझे कीनिया में उन्होंने मिक्स कर दिया। मैं कीनिया विनिया कोई नहीं गया, मैं यहीं पे था, और आपके आप ही सवार है इसलिए आपका नाम लिया है। मैं यहीं था। और दूसरा ये है कि इनका प्रॉब्लम ये है कि ये एक दूसरे को ओन ही नहीं करते। बड़ा भाई छोटे को ओन नहीं करता, छोटा बड़े को ओन नहीं करता, भतीजा चाचे को ओन नहीं करता, चाचा चची को ओन नहीं करता, ये एक दूसरे को ओन ही नहीं करते। कोई किसी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। हर रल के खाने के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इकतदार में आने के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ही आप इनसे कहेंगे ना जी वोट चाहिए, मियाँ साहब बहुत अच्छे हैं, जैसे ही आप वोट की बात करेंगे ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी भतीजी बहुत अच्छी है, मेरा चाचा बहुत अच्छा है, मेरा भांजा बहुत अच्छा है, सबकी तारीफें ये करेंगे इकट्ठे होकर। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे ना साफ दो, तो मैं यार वो अपना देगा, वो अपना देगा, वो अपना देगा, वो अपना देगा, किसी को कोई। यानी इमरान खान से इन्होंने हिसाब उन बंदों का भी लेना है जो अब इनकी जमातों में शामिल हो चुके हैं, लेकिन खुद अपने खून के रिश्तों का हिसाब इन्होंने नहीं देना। तो ये जब भी आप इनसे हिसाब किताब की बात करेंगे ना, इनका हिसाब बड़ा कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर। मंडी बाबल दीन में एक शख्स के वालिद को उठाया, वो खोत हो गया, जब वो पुलिस से गिला कर रहा था उन्होंने कहा तमीज़ से बात करो, तो लोगों को तमीज़ कब आएगी?
यार देखिए ये हमारी पुलिस है, वो पुलिस वाले का आप चेहरा देखें, वो कितना बेबस भी था और कितना ढीठ भी बना हुआ था। आप गौर से उस वीडियो को देखें, वो बंदा अंदर से शायद रो रहा होगा कि यार ये मेरे से क्या करवा दिया इन्होंने। बुजुर्ग आदमी उठाया उसको, वो फ़ोन करते थे DPO को, उसे कहते थे यार हमारा वालिद पकड़ा गया, उसका कोई कसूर नहीं, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो बेचारा घर के अंदर था, बहुत बुजुर्ग, उसको छोड़ दें। उसको हवालात में बंद किया, वो फौत हो गया। अब वो जो पुलिस वाला है जिसने ये किया और जिसके हुक्म पे ये हुआ, वो मजबूर तो थे बेचारे ना। देखें वो खुद तो नहीं ये करना चाहते, उनको दुख भी होगा इस बात का, लेकिन डिटाई भी आप ये देखें कि वहाँ खड़े होकर भी कह रहे हैं, देखेंगे क्या होता है। इमरान भाई सारे सारे इद्दत केस के हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये जो फैसला आया है या आइन कानून और शरीयत के मुताबिक है? देखें उलमा को इसके ऊपर बात करनी चाहिए, मुझे तो नहीं समझ आई फैसले, यानी मियां बीवी दोनों कह रहे हैं जी हमारा शरीय नुकाह है और हम लोगों ने जो है वो कानून के मुताबिक किया है, मियां बीवी दोनों यही कह रहे हैं और फैसला कुछ और आ रहा है, मेरी तो समझ से बाहर है। अच्छा, आज सुना नहीं देखा नहीं। ये बताएं कि आप इनको श्योरिटी दे दें कि मैं वापस आऊँगा पाकिस्तान, शायद आपको इजाज़त मिल जाए, तो इस तरह की किसी किस्म उन्हें पता है ये मुझे श्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। मैं अगर आज कहूँ ना कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ मुल्क से, तो मुझे फ़ौरन भेज देंगे। मसला ये मैं वापस आ जाता हूँ। लेकिन आपको सियालकोट से फिर क्यों गिरफ्तार किया था अगर इनको पता था कि वो भी मैं बाहर ही आ रहा था उस दिन, भी मैं चाहता चला जाता, मैं एयरपोर्ट से निकल रहा था जब गिरफ्तार हुआ, मुझे पता चला मेरे घर में छापे पड़ रहे हैं तो मैं बाहर आ गया। इमरान भाई क्या लगता है आपको कि इस बार जो टर्न आउट है वो कितना होगा, क्योंकि आपने सर्वेज भी करवाए हैं सारे, आपने कैंपेन भी देखी है, तो क्या लगता है कितना टर्न आउट का प्रॉब्लम है? अगर टर्न आउट ज़्यादा हो गया तो फिर देखें एक चीज़ तो आप लोग गौर करें, अब कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितनी सख्तियाँ हुई, कागजात छीने, ये सारी एक्टिविटीज़ जो आपने देखी, क्या आप सब में से किसी ने पहले देखी अपनी ज़िंदगी में ये एक्टिविटीज़? नहीं देखी ना। ये आपने क्यों देखी? अगर तो इलेक्शन डे पे मैनेज करना इतना ही आसान होता तो ये सारा तमाशा ना लगता इस मुल्क में। इसका मतलब है कि टर्न आउट अगर ज़्यादा हुआ तो वो टेबल टर्न हो जाएगा। थैंक यू। हाथ है आपने पट्टी सी लगता है की हुई है, लोग जानना चाहते हैं, तो बताया क्या हुआ है? ब्लॉग में भी नजर आता है, लोग देखना सोचना चाहते हैं कि ये क्या हुआ है। नहीं ये वैसे ही वो एक खेलते हुए दबा गई थी बस, वो बॉलिंग कौन करा रहा था? शाकिर रहमान इज अ गुड बॉलर। ए बेटे एक मिनट, ये प्लीज आप फोन रख दो ऐसे, फोन रख थोड़ा करीब से, बहुत अच्छा, थोड़ा फोन ऊंचा ऊंचा रख दो। थैंक यू, चार बना देने, थैंक यू, चार पानी वाले हैं, वीडियो चले आ गया सारा कुछ। अस्सलाम इमरान, मुझे सबसे इमोशनल सीन ये लगता है जब तुम्हें पब्लिक रोकती है, आई स्वेयर। थैंक यू। आप चले, मत मैं ये मोहब्बत करोड़ों से नहीं आती। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप?